हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो रिगार्डिंग कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम के ऊपर। सो लेट मी राइट द टॉपिक। कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। ओके, सॉरी। सो द कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम इज अ कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड इन मशीन लर्निंग। सो दिस इज रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग एल्गोरिथम। एंड इसको अपन कंप्यूटेशनल लर्निंग एल्गोरिदम या थ्योरी भी बोल सकते हैं, लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लर्निंग अ हाइपोथेसिस स्पेस। जो हाइपोथेसिस स्पेस उसको समझने के लिए एक गिवन जो ट्रेनिंग सेट है उसको समझने के लिए, उसके हाइपोथेसिस स्पेस को समझने के लिए हम ये यूज करते हैं। द एल्गोरिथम वर्क्स बाय इटरेटिवली एलिमिनेटिंग हाइपोथेसिस फ्रॉम अ वर्जन स्पेस अंटिल ओनली वन हाइपोथेसिस रिमेन। एल्गोरिथम कैसे काम करती है कि वो इटरेटिवली एलिमिनेट करती रहती है हाइपोथेसिस को वर्जन स्पेस से। किससे? वर्जन स्पेस। जब तक कि केवल एक हाइपोथेसिस उसके अंदर न रह जाए, विच इज मोस्ट स्पेसिफिक एंड मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट विद ट्रेनिंग डेटा। ये जो लास्ट में बचेगी हाइपोथेसिस, जो लास्ट में बचेगी वो बहुत ही कंसिस्टेंट और मतलब मोस्ट कंसिस्टेंट कह सकते हैं, या फिर मोस्ट जो स्पेसिफिक है वही रहेगी। ठीक है, मैं आपको एक एक करके इसका प्रोग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। और फिर बाद में अपन पहले तो इसका ये डिस्कशन कर लेते हैं, अपन गिटअप का एक ये है तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अपन। तो क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज जी टू द सेट ऑफ मैक्सिमल जनरल हाइपोथेसिस इन एच। एक अपने पास में हाइपोथेसिस एच है, उसके लिए हमने जनरल स्पेसिफाई कर दिया, एक जनरल हाइपोथेसिस स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, ये हाइपोथेसिस देखो, पहले तो ये समझ लो कि कंप्यूट द वर्जन स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल हाइपोथेसिस फ्रॉम एच दैट आर कंसिस्टेंट विद एन ऑब्जर्व्ड सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स। हमें वो डेटा सेट चाहिए जो कि एक कंसिस्टेंट डेटा सेट है, ठीक है, और उसी को ही अपन एक हाइपोथेसिस के एज ए मानेंगे। सो इनिशियलाइज कर दिया हमने जनरल को, और स्पेसिफिक मैक्सिमल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को भी इनिशियलाइज कर दिया। अब हर एक ट्रेनिंग जो एग्जाम्पल है, ट्रेनिंग एग्जाम्पल डी है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मतलब इटिरेट करेंगे ये पूरा ट्रेनिंग जो भी आपका है इसके ऊपर इटिरेट करेंगे। तो इफ डी इज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल, जैसे कि यस वाले हो गए या नो एग्जाम नो हो गए, अगर ये पॉजिटिव है तो रिमूव फ्रॉम जी एनी हाइपोथेसिस इनकंसिस्टेंट विद डी। हम रिमूव कर देंगे जी से कोई भी एनी हाइपोथेसिस जो कि इनकंसिस्टेंट है डी के साथ में, मतलब कोई भी अगर इनकंसिस्टेंट है, मान लीजिए सनी सनी एक जैसा ही कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, ये वाला इनकंसिस्टेंट था। ठीक है, सबसे पहले तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको, और फिर बाद में इनकंसिस्टेंसी देखेंगे कि देखो ह्यूमिडिटी वाला इनकंसिस्टेंट है तो इसको हमने रिमूव कर दिया या फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से हम काम करते रहेंगे। और फॉर ईच हाइपोथिसिस एस इन एस दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी, रिमूव एस फ्रॉम एस, एड टू एस ऑल मिनिमल जनरलाइजेशन एच ऑफ एच सच दैट एच इज कंसिस्टेंट विद डी एंड सम मेंबर ऑफ जी इज मोर जनरल देन एच। और रिमूव कर देंगे एस को एनी हाइपोथेसिस दैट इज मोर जनरल देन अदर हाइपोथेसिस इन एच एस, और ये जो नेगेटिव में है इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसका प्रोग्राम दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मतलब इसका प्रोग्राम दिखाऊंगा तो शायद थोड़ा ज़्यादा समझ में आए आपको। चलो तो इसका प्रोग्राम समझते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेटा सेट है वो तो मैंने सेम लिया है, और ये मैंने दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, नंपाई एंड पांडास। पांडास की मदद से मैंने डेटा फ्रेम बना लिया, ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्सेप्ट और टारगेट क्या है। कॉन्सेप्ट और टारगेट में हमने किया है कि ये जो डेटा सेट है इसके मैंने सारे रोज लिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर और इस तरीके से लिखूँ, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो ये स्पेसिफाई करता है कि सारे रो और सारे कॉलम, ठीक है, जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम हैं सबको इंडिकेट करता है। अब मैं अगर जीरो जीरो और माइनस वन लगा दूँ, सो यहाँ पर देखो मैंने जीरो और माइनस वन लगा रखा है, तो ये कर रहा है दिस इंडेक्सिंग एक्सप्रेशन इज यूज टू सेलेक्ट ऑल रोज, जितनी भी रोज है उन सबको सेलेक्ट करो, एंड ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट द लास्ट वन, हमें लास्ट वन को नहीं सेलेक्ट करना है। तो ये कह रहा है कि जितनी भी कॉलम है सबको सेलेक्ट करो लेकिन लास्ट वन को, देखो ये कॉलम का निशान है तो ये कह रहा है कि लास्ट वन को सेलेक्ट मत करो। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब है टारगेट का। सो टारगेट कह रहा है कि ये तो कहता है कि जितने भी रोज हैं और ये कह रहा है जितने भी कॉलम है, लेकिन माइनस वन जैसे ही हमने लगा दिया तो ये कह रहा है दिस स्पेसिफाई द इंडेक्सेस इंडेक्स ऑफ कॉलम टू सेलेक्ट, इन दिस केस माइनस वन रेफर्स टू द लास्ट कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम, तो जो लास्ट कॉलम है डेटा फ्रेम की उसे ही सेलेक्ट करो। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये कह रहा है पहले वाले में तो कह रहा है जब इसने ये लगाया जीरो और माइनस वन लगाया तो कह रहा है कि सारी रो तो सारी लेकिन कॉलम ये वाला कॉलम मत लो। ठीक है, जीरो कॉलम माइनस वन का मतलब है कि इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर, और केवल कॉलन कॉमा माइनस वन है तो वो कह रहा है कि सारी रो उसके लास्ट कॉलम को, सारी रो के लास्ट कॉलम को। तो ये टारगेट हो गया और ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें टारगेट समझना है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको। चलो, और इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया, अरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सो आई लॉक इट इज द मेथड प्रोवाइडेड बाय द पांडास टू परफॉर्म इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग ऑन द डेटा फ्रेम। तो ये जो आई लॉक करता है वो क्या करता है, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग करता है ऑन डेटा फ्रेम, जितने भी डेटा फ्रेम है उनके ऊपर इंडेक्स जो इंडेक्सिंग करता है वो इंटीजर बेस्ड करता है। ठीक है, चलो तो ये इंटीजर लोकेशन हो गई, और इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमारे पास में कॉन्सेप्ट ले लिया हमने, टारगेट ले लिया हमने, अब इसको लर्न करना है हमें। ठीक है, तो लर्न करने लग जाओ। चलो, लर्न किया हमने, सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे। तो ये फंक्शन मैं मान लो कि मैंने बाद में यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, फाइनल स्पेसिफिक फाइनल और जनरल फाइनल के जो लर्निंग से ये जो आई इसको इसके अंदर डाल दिया और मैंने प्रिंट करवा दिया फाइनल और स्पेसिफिक और फाइनल जनरल जो हाइपोथेसिस है उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसको मैंने काट देता हूँ, ये मैंने ऐसे ही लगाया। ठीक है, सो ये जो लर्न फंक्शन है वो लर्न कर रहा है हमारा। तो इस लर्न फंक्शन को देखते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले स्पेसिफिक एच, स्पेसिफिक एच के अंदर हमने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट है उसके पहली रो को हमने कॉपी करवा दिया इसके अंदर। पहली रो कौन सी है, देखो यार मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। तो इस रो को डायरेक्टली मैंने स्पेसिफिक में कॉपी करवा दिया। ठीक है, कॉपी करवा, अगर मैं कॉपी नहीं करवाऊंगा ना तो वो अलाइसिंग कर लेगा, तो यहाँ पर डॉट कॉपी या डीप कॉपी वाले फंक्शन मेरे को यूज करने की जरूरत है। ठीक है, मैंने कॉपी करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, जो इनिशियल वर्जन है स्पेसिफिक का उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल के अंदर सारे जो जनरल है उनको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, जितने भी हैं अब मैंने सबके लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया जनरल के अंदर। तो मैं मान लीजिए कि चार रो है, चार रो और हमारे पास में 1 2 3 4 5 है, 6 कॉलम है, तो हमने इसको क्या करवाना है, जनरल के अंदर चार रो और 6 कॉलम के अंदर क्वेश्चन मार्क डालना है।
तो ये एक तरीका है, देखिए ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। हमारी कितनी है, चार रो पहला तो स्पेसिफाई करता है कॉलम को, चार, और दूसरा स्पेसिफाई करता है रो को, सॉरी रो को। तो रन करवा के देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक दो तीन चार, हमारे पास में चार रो हो गई और छह कॉलम हो गए उसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर एक, हम क्या कह रहे हैं यार, मेरे को एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर है ना सारे, पहली लिस्ट के अंदर सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। ये तो एक लिस्ट के अंदर लिस्ट की बात है, और ये लिस्ट के अंदर लिस्ट कितनी बार होनी चाहिए, इतनी बार होनी चाहिए। तो देखिए इसी से समझ जाओ यार, मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए कितनी बार, इतनी बार, ठीक है। तो ये एक लिस्ट बना देगा। अब ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए कितनी बार, इतनी बार। तो सबसे पहले इसके लिए एक वो बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे मेरे लिस्ट के अंदर, बन गए, ठीक है। अब इसके बाद में ये एक ऑब्जेक्ट बनने के बाद में इसकी कॉपी बन जाएगी मेरे पास में जितनी बार ये चाहता है। तो ये कहता है कि पहले तो लिस्ट के अंदर काम कर लो आप, ठीक है, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना लो, या फिर कुछ भी, मैं जीरो की जगह क्वेश्चन मार्क डाल सकता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल के दिखा, है ना। तो ये कह रहा है कि यार मेरे को ऐसे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे को प्रिंट करवा दो इस पूरी लिस्ट में कितनी बार, छह बार, ठीक है, करवा दिया। लिस्ट बना दी मैंने, एक क्वेश्चन मार्क की, छह बार क्वेश्चन मार्क की मैंने एक लिस्ट बना दी। अब ये एक कंप्लीटली एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरे को एक और लिस्ट में, ये कंप्लीट लिस्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट को चार बार और कॉपी करवा दो। तो यही कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क को जितनी इसकी साइज है स्पेसिफिक एच की, मतलब पहले रो की, इस रो की जितनी साइज है, कितनी साइज है, छह है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः साइज है। तो छः बार मेरे को क्वेश्चन मार्क कर दो एक एक रो के अंदर। और ये कितनी बार चलानी है मेरे को, ये स्पेसिफिक एच जो इसकी लेंथ है उतनी ही बार चला दो। तो ये बेसिकली एक दो तीन चार पाँच छः, छः बार मेरे को, मेरे लिए ये आ जाएगा, इसके लिए जनरल एच आ जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने इनिशियलाइज कर दी जनरल हाइपोथेसिस को। तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस क्या है, एक कंप्लीट रो जो डेटा फ्रेम के अंदर जो फर्स्ट रो है, कॉन्सेप्ट के अंदर, डेटा फ्रेम नहीं, कॉन्सेप्ट के अंदर जो फर्स्ट रो है वो हो गई स्पेसिफिक एच। अब जितनी स्पेसिफिक एच की साइज है उतनी ही साइज की, और मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि रो और कॉलम जिनके सेम हो, ठीक है, उतनी ही साइज की आप क्या कर दो, एक मैट्रिक्स बना दो जिनके रो और कॉलम सेम हो, ठीक है। मैंने एक तरीके से हमारे पास में मैट्रिक्स हो गई, और मैंने इसको जनरल हाइपोथेसिस को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ साइज 6x6, ओके, क्योंकि स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की साइज कितनी है, 6 है, ठीक है। मैं इसको जनरलाइज नहीं, मतलब कोड को जनरलाइज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 नहीं लिखा, इसीलिए मैं आपको बस समझाने के लिए यहाँ 6 बता रहा हूँ, और फिर बाद में मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। तो हमारे पास में स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है, इनिशियल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो फर्स्ट कॉलम है, रो है कॉन्सेप्ट का, और ये हो गया हमारा जनरल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, और कॉन्सेप्ट के हर एक वैल्यू के साथ में मैं ट्रैवल करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इन्यूमरेटेड लगाया, इन्यूमरेटेड का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, सारे रोज हैं, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, सारे रोज हैं, इस तरीके के, ये कॉन्सेप्ट है मेरा, यहाँ तक, ये फोरकास्ट तक, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हर एक रो वाइज मैं जाऊंगा, प्लस उसके इंडेक्सिंग के साथ में, जैसे 1 2 3 4, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, इन्यूमरेशन चाहिए, इन्यूमरेट। इन्यूमरेट क्या करता है, ये कहता है कि पहली रो उससे एसोसिएटेड ये, तो वो रिटर्न करता है कि आई से तो इंडेक्स हो गया, और एच से इसके अंदर जो वैल्यू है, हाइपोथेसिस है, ये वाली हाइपोथेसिस, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस इंडेक्स के साथ में हम पूछेंगे कि क्या इसके जो, इससे एसोसिएटेड जो टारगेट है, क्या वो यस है, इससे एसोसिएटेड, इस इंडेक्स से एसोसिएटेड जो टारगेट है क्या वो यस है। अगर वो यस है, हाँ यस तो है, ठीक है,
तो क्या करो, जो हमने एक एच बनाया है यहाँ पर, ये जो एच है आपका, मतलब ये जो हाइपोथेसिस है, उसके अंदर क्या करेंगे हम, पहले तो प्रिंट करवा देंगे इफ इन इंस्टेंस इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो। अब एक और फोर लूप लगा देंगे अपन, फोर एक्स इन रेंज, इसकी रेंज कितनी है, सिक्स है, क्योंकि कितने कॉलम है, सिक्स है, ठीक है, तो इसकी रेंज सिक्स हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये जो हर एक कॉलम वाइज तुम ट्रेवर्स कर रहे हो हर एक रो के अंदर, तो एच के लिए इस पर्टिकुलर रो के लिए जो उसकी कॉलम है, क्या वो स्पेसिफिक के इक्वल नहीं है? अगर वो स्पेसिफिक के इक्वल नहीं है, मतलब अगर वो इसके इक्वल नहीं है, पिछले वाला और सामने वाला दोनों इक्वल नहीं है, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, इफ दे आर नॉट कंसिस्टेंट, मैं लिख देता हूँ, इफ दे आर नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, उनको जनरल हाइपोथेसिस में भी उसको उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो एक वो है ना, मैट्रिक्स है, तो उस रो के उस कॉलम के ऊपर भी अपन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा ये, थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हमारी 6 बाई 6 की बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब जितने भी ये हैं, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ में तुम क्या कर दो, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, इस तरीके से सबके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, कहाँ पर, इस रो के जो भी इसकी वैल्यू आएगी, इस रो और इस कॉलम के अंदर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। सपोज इसकी वैल्यू है 1, सो 1 के ऊपर हमें मिला कि ये दोनों हैं वो इक्वल नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये दोनों इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है, कौन से कॉलम, थर्ड कॉलम के ऊपर मान लो, तो थर्ड रो के थर्ड कॉलम के ऊपर तुम लगा दो क्वेश्चन मार्क, थर्ड रो के थर्ड कॉलम के ऊपर लगा दो क्वेश्चन मार्क, इसी तरीके से सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के ऊपर, तो ये क्वेश्चन मार्क लगते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, लग गए। अब देखिए इफ जो टारगेट आई है अगर वो इक्वल टू है नो, मतलब अगर मान लीजिए कि ये नो है, नो के लिए क्या करेंगे अपन, प्रिंट करेंगे सबसे पहले तो कि इफ इंस्टेंस इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो उसके साथ में क्या करेंगे, पॉजिटिव था तब हमने ये किया, नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव है तो हमने क्या किया, अगर वो इनकंसिस्टेंट है, इफ इट इज इनकंसिस्टेंट, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो क्या करो, सबसे पहले तो उसको जो उसके स्पेसिफिक है, जो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है हाई, तो यहाँ पर जाओ और उस रो और उस कॉलम के ऊपर डाल दो हाई, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स एक्स है, टू है, टू है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रो के लिए मान लीजिए कि टू है, टू के ऊपर बात करते हैं अपन, है ना, तो अपन टू टू पे जाएंगे और यहाँ पर क्या डाल देंगे, हाई डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू सेट करते रहेंगे नो के लिए भी और येस के लिए भी, ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू सेट करते रहेंगे। अगर वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नो वाले केस में, नो वाले केस में अगर वो कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, हम जनरल के अंदर उस पर्टिकुलर रो और कॉलम के ऊपर जाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, कह देंगे कि भाई साहब ये जो पर्टिकुलर ये है, नो आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और येस आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, हम देख रहे हैं कि यार येस आने पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये सारे कंसिस्टेंट है या नहीं है, जैसे कि ये वाला है वाटर है, वाटर है तो यहाँ पर इंजॉय स्पोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
तो वाटर पड़े, वाटर वॉर्म 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 वॉर्म, तो ये चल रहा है यस यस यस, नो वाले में भी इस वॉर्म ही दिखा रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि यार यहाँ पर कंसिस्टेंसी अगर नहीं है ना, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तब तो उसको क्या कर दो, उसको कह दो कि हाँ यार फर्क नहीं पड़ता असल में कोई उसकी वजह से, इसके वार्म होने से यस और नो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो, सॉरी कंसिस्टेंट है तो इसके यस या नो होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तब कह दो कि हाँ भाई फर्क पड़ता है। तब हमने क्या किया, हमने दिखाया कि यस फर्क पड़ता है, यस फर्क पड़ता है। ठीक है, मैंने इस तरीके से बना दी एक मैट्रिक्स, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि नो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एक फॉर्मेट लिखा स्टेप के लिए कि ये कौन से नंबर का स्टेप है, ये तो हमें पता ही है कि मतलब कर्ली ब्रेसेस लगाकर हम फॉर्मेट लगाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आई किसके लिए है, इसके लिए है, ठीक है, इंडेक्स के लिए, हर एक रो के लिए, रो के इंडेक्स के लिए, उसका जो जनरल स्पेसिफिक क्या है और उसकी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस क्या है और जनरल हाइपोथेसिस क्या है, उसको हम बार बार में प्रिंट करवाते चले जाएंगे। तो देखिए ये इनिशियल था, इनिशियल के अंदर ये सारे ये थे। अब देखिए स्टेप वन के अंदर तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ इसीलिए, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि कंसिस्टेंट यहाँ पर वो जितने भी थे वो कंसिस्टेंट थे। इफ दे आर नॉट कंसिस्टेंट तब तो ये करो, लेकिन इनकंसिस्टेंसी वाली बात ही नहीं थी इसीलिए हमने कोई चेंज नहीं किया। अब स्टेप टू के अंदर क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यस था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल और ये वाला चेंज हुआ, नॉर्मल ये वाला चेंज हुआ। तब हमने क्या किया, हमने किया कि उससे एसोसिएटेड को क्वेश्चन मार्क कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया, और हाइपोथेसिस वाले में भी उससे एसोसिएटेड को क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, स्टेप थ्री के अंदर हमने क्या किया, ये तो क्वेश्चन मार्क था ही और ये नेगेटिव था, नेगेटिव था तो हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तब तो कह रहा है कि यस फर्क पड़ता है, तो हमने क्या कर दिया जनरल हाइपोथेसिस में इसको सनी कर दिया, इसको वॉर्म कर दिया, इसको सेम कर दिया क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट था। और क्योंकि देखिए अगले स्टेप के अंदर चेंज हो रहे हैं, कौन कौन सा चेंज हो रहा है, एक दो और तीन, ठीक है, सो एक दो तीन, तीन चेंज हो रहे हैं तो हमने इनको चेंज कर दिया। और हमने देखिए इसी तरीके से किया, एक दो और ये तीन नहीं है छह है, तो एक एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सिक्स्थ रो सिक्स्थ कॉलम, इस तरीके से मैंने उसको वो करवा दिया। स्टेप फोर के अंदर वो पॉजिटिव था इसीलिए वो वापस से क्वेश्चन मार्क हो गया ये वाला, क्योंकि कंसिस्टेंट था ना, ये वाले इनकंसिस्टेंट थे तो इसकी वजह से क्वेश्चन मार्क हो गए, ये वाला इसका क्वेश्चन मार्क हुआ इसीलिए इससे एसोसिएटेड ये वाला भी क्वेश्चन मार्क हो गया, सिक्स्थ रो सिक्स्थ कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम तो पहले से था ही क्वेश्चन मार्क, सेकेंड रो ये कंसिस्टेंट था और ये वाला भी क्वेश्चन मार्क हुआ, तो इसीलिए हमारे पास में ये दो ही रहे, ये वाला क्वेश्चन मार्क हो गया। और चार क्योंकि चार ही वो हैं रोज है हमारे पास में, तो चार के बाद में हमारा फाइनल स्पेसिफिक एच आ गया इसमें हमने। अब देखिए यहाँ ये करने के बाद में एक और स्टेप है, अब हम क्या करेंगे इंडिसेस लेंगे, हम वो इंडिसेस लेके आएंगे जिसके ऊपर इस जनरल एच के अंदर कौन कौन सी पूरी की पूरी रोई, यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी रोई क्वेश्चन मार्क है, देखिए एक तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, तो इन रोज को हमें डिलीट करना है। तो हम पहले तो ये लेके आएंगे कि भाई कौन कौन सी रो क्वेश्चन मार्क है, तो हमने इंडेक्सेस लिए फॉर आई, मतलब इसको इनुमरेट किया, इनुमरेट किया इंडेक्सेस और वैल्यूज के आधार पे, तो हमें तो सिर्फ इंडेक्स चाहिए कौन सी जो पर्टिकुलर रो है, कौन से नंबर की रो है वो कंप्लीटली क्वेश्चन मार्क है, तो हमें उसको डिलीट करना है। तो हमने दो में तोड़ लिया आई और वैल्यूज में, वैल्यूज में हमने चेक किया कि अगर वैल्यूज इसके बराबर है तो उसके इंडेक्स को इसके अंदर डालते जाओ, इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पर, कौन कौन सा इंडेक्स आएगा, देखिए यहाँ पर
01 2 3 4 5, 5 2 3 4 5 नंबर के हमारे पास में वो आएंगे, ठीक है। सो ये इसके अंदर जनरल के अंदर हमने रिमूव कर दिया उन सब को, हाइपोथेसिस को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, हर एक इंडेसेस के लिए, मतलब जितने नंबर ऑफ अकरेंस थे। और फिर बाद में हमने क्या किया, हमने रिटर्न कर दिया स्पेसिफिक एच और जनरल एच को, और फिर हम इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो रन करवा के देखा तो हमारे पास में ये आया, फाइनल स्पेसिफिक एच आया ये, और फाइनल जनरल एच आया वो ये आया, जनरल हाइपोथेसिस ये इस मैट्रिक्स के फॉर्म में आया, क्योंकि बाकी तो हमारी क्वेश्चन मार्क थी लेफ्ट थी जो, तो ये सनी और वॉन ये स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है और ये जनरल हाइपोथेसिस है, ठीक है। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इस फॉर्म में होगी और ये जनरल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि हमारे ये सनी और वॉम यस लाने के कारण बन रहे हैं। वहीं आप कहोगे स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाला उसमें आ रहा है जब वो नो था, इसीलिए इसके लिए जनरल में कोई स्पेस नहीं है। स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग भी मतलब आना चाहिए, लेकिन ये नो वाले के अंदर था, नेगेटिव वाले के अंदर था, इसीलिए हमने इसको कंसिडर नहीं किया। यस और वॉर्म उसके लिए थे, मतलब पॉजिटिव के लिए थे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।